जीएम उर्दू प्लस में आपका दोस्त गुलाम मुस्तफा आज एक लाल पंप के सिलसिले में एक नई वीडियो लेके आया है। पिछले दिनों एक दोस्त को ये परेशानी थी कि जब मैं लाल पंप का पानी उतर जाता है तो उसमें अब मैं पानी डालता हूँ तो वो पानी रुकता नहीं है, पानी मसलसल डालते रहे, पानी रुकता नहीं और मोटर पानी उठाती नहीं है। उसमें हमने देखना ये है कि पानी हम डाल रहे हैं उसके हेड में या उसके पाइप में पानी ठहर नहीं रहा। उसकी दो तीन वजूहात मेन होती हैं, बड़ी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो बाज दफा इंजेक्टर का सील का स्प्रिंग खराब हो जाता है और वो पानी को कंट्रोल नहीं करता, पानी उतर जाता है और आप पानी डालते हैं तो मसलसल पानी नीचे बोर में जाता रहता है और मोटर पानी नहीं उठाती। एक इंजेक्टर की सील और स्प्रिंग का मसला होता है या मसलसल फिल्टर से हल्की हल्की रेत के जर्रात आते रहते हैं, वो फिल्टर के जरिए इंजेक्टर में आते हैं, इंजेक्टर की सील के नीचे वो आस्ता आस्ता वो रेत बैठनी शुरू हो जाती है, बारीक रेत के जर्रात, जिस वजह से जब इंजेक्टर काम करता है तो वो रेत सील के नीचे रेत आ जाती है और सील थोड़ी उठी रहती है, जो पानी आप डालते हैं वो नीचे बोर में चला जाता है। तीसरी बात ये कि आपका पाइप में कहीं सुराख हो गया है या पाइप फट गया है। चौथी बात ये कि आपके जो पाइप लगे हुए हैं वहां पे मुख्तलिफ लेंथ को जोड़ के जॉइंट लगाए जाते हैं, वो जॉइंट बाज दफा लूज हो जाता है, वहां से लीक हो जाता है, उस वजह से भी पानी नहीं रुकता और मोटर पानी नहीं उठाती। इन सारी चीजों को चेक करने के बाद अगर फिर भी पानी नहीं रुक रहा तो फिर आपके हेड के अंदर जो स्प्रिंग सील होती है, जो आपके हेड के अंदर पानी को बाहर निकलने से मोटर में जाने से रोकती है, स्प्रिंग सील प्रेशर वाली सील होती है, उसके साथ एक हड्डी होती है, वो हड्डी उसकी खराब है या उसका स्प्रिंग खराब है। या फिर छठी बात यह कि आपके हेड का छल्ला लूज हो गया है, वहां से पानी सिम रहा है, वो जो ऊपर 6 नट लगे होते हैं, बोल्ट लगे होते हैं, वो बोल्ट कहीं से एक लूज है, वहां से थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा है जिसे प्रेशर नहीं बन रहा और पानी हमें डालना पड़ता है। सातवीं बात यह कि आपके रेगुलेटर के ऊपर एक प्लास्टर का नट लगा होता है, वो अब कहीं से या लूज हो उसकी सील या उसके अंदर धागा सही तरह ना लगा हो या वो प्लास्टर का ढकना टूटा हुआ हो, उस वजह से भी पानी मोटर नहीं उठाती और आप पानी डालते हैं तो पानी फिर उतर जाता है, जिस वजह से फिर प्रेशर भी नहीं बनता। तो इन चीजों को अगर आप डीपली जरा गौर कर लें तो आपको उसको फॉल्ट को ट्रेस करने में आसानी होगी और फिर आप कारीगर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा और आपके पैसे भी जाया नहीं होंगे।